आज हमें यहाँ पर वेव नेचर के बारे में स्टडी करना है कि वेव का वास्तव में हमारे पास क्या नेचर होता है। एक तो हमारे पास यहाँ जो हमने लास्ट टाइम आपने एक कॉम्प्टन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में स्टडी करी है, वहाँ पर हमने ये माना था कि लाइट का जो नेचर होता है वह ड्यूल होता है। क्या होगा आपके पास? ड्यूल, ड्यूल यानी द्विक। क्या होगा आपके पास? द्विक नेचर, यानी आपके पास इसका जो है ड्यूल नेचर। मतलब क्या हो गया कि ये जो है वह वेव जैसा भी बिहेवियर करता है, और एक दूसरा है वह पार्टिकल जैसा भी बिहेवियर करता है। कौन? ये जो हमारे पास लाइट है वह इन दोनों की तरह बिहेवियर करती है। तो इसलिए हमारे पास लाइट के अंदर हमारे पास कुछ फिनोमेना, जैसे कि हमारे पास व्यतिकरण इंटरफेरेंस है या रेफरेंस या इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है, रिफ्रेक्शन है, ये जो फिनोमेना है हम वेव नेचर से डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन किया जाता है। लाइट की जो वेव नेचर है उससे हम लोग डिफ्रेक्शन या फिर इंटरफेरेंस या फिर हम लोग दूसरे अदर पैरामीटर से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिजिक्स के अंदर हमारे पास ये करीब 1800-1900 के लगभग हमारे पास बहुत सारी फिनोमेना हमारे पास देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फिनोमेना होगी वह कौन सी आपके पास? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और एक कौन सी आपके पास? कॉम्प्टन इफेक्ट है, और एक और हमारे पास आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो थ्री फिजिक्स के अंदर ऐसे फिनोमेना हैं जिसको हम लोग वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पार्टिकल का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। ये जो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम इन फिनोमेना, इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है वह हमारे पास, ये जो इसका हमारे पास अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल हमारे पास कोई सेटअप नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंटल के थ्रू अभी तक तो हम लोग ये जितने भी हम लोग ये डेफिनेशंस दे रहे थे हमारे पास सिर्फ क्या है, एक एजुम्शन के बेस पे हम लोग चल रहे थे। एक्सपेरिमेंटल हमारे पास कोई सेटअप नहीं है जो ये प्रूफ कर दे कि इसके अंदर हमारे पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल भी नेचर होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए ये जो डी ब्रोगली है फर्स्ट टाइम ये जो पार्टिकल जैसा इसका बिहेवियर होता है उसके संबंध में इन्होंने कहा कि हर एक बॉडी के साथ, कोई भी बॉडी अगर आपकी मूवेबल है, मोशन में है, तो ये जो इसका बिहेवियर है वह पार्टिकल और वेव दोनों जैसा होता है। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि पार्टिकल तो हमें यह दिख ही रहा है, क्योंकि यह समझाया या यह बताया कि इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। इसके साथ क्या होगी आपके पास? एक वेव एसोसिएट होती है। संसार के अंदर कोई भी बॉडी अगर मूवेबल है तो उसके साथ क्या होती है? एक वेव एसोसिएट होती है। अगर हम भी चले माने तो हमारे साथ भी वेव एसोसिएट है। यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ भी वेव एसोसिएट है। लेकिन यहाँ पर ये जो वेव एसोसिएट होने की हम बात कर रहे हैं, या यूं कहें कि उसके ऊपर ये वेव एग्जिस्ट होती है, कोई भी बॉडी मूवेबल है तो उसके साथ वेव 100% होगी ही होगी। तो इस वेव का जो वेवलेंथ होता है वह क्या होता है? लेमड़ा इक्वस टू एच बाय पी होता है। यह फर्स्ट टाइम डी ब्रोगली ने कहा। क्या कहा हमारे पास? डी ब्रोगली ने कि कहा कि ये जो हमारे पास हम लोग कह रहे हैं कि पार्टिकल के साथ वेव भी एसोसिएट होती है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ब्रोगली ने फर्स्ट टाइम 1924 के अंदर, 1927 में इसको नोबेल प्राइज मिला था इसी बेस पर। तो यहाँ पर हमारे पास 1924 के अंदर हमारे पास इन्होंने ये कहा कि इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? लेमड़ा इक्वस टू
लैम्डा एक वस्तु एज बाय पी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वेव्स जो एसोसिएट होती है, वेव जो एसोसिएट होती है उसके लिए हमारे पास फार्मूले की अगर हम डेरिवेशन की अगर बात करें, हमने ये तो बोल दिया कि इसके साथ वेव एसोसिएट होती है और वेव की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा एक वस्तु क्या होती है, एज बाय पी है, जहाँ पी क्या है, इस बॉडी का मोमेंटम है। जनरली हम लोग इसको पी को एम बी से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये जो बॉडी का मोमेंटम होगा पी इक्वल्स टू एम बी, इसके अंदर भी वेलोसिटी से ये बॉडी मूवेबल है, उसका मास एम है, तो इसके साथ जो मोमेंटम होगा वह एम बी होगा। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इसके साथ वेव जो एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी होगी। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कैसे हम मान लें कि इसके साथ यह वेव इतनी वेवलेंथ की इसके साथ एसोसिएट होती है, लेकिन ये वेव हर जगह दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हमारे साथ हम चलायमान होते हैं तो हमारे साथ वेव कभी भी हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारे पास बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन का मास, यदि इलेक्ट्रॉन जिसे हम अगर लेते हैं तो उसका मास बहुत कम होता है, तो जब वह मूवेबल होता है तो उसके साथ वेव हमें इजीली दिखाई देती है। हमारा मास अधिक होने के कारण से, ये जो मास अधिक होने के कारण से वेवलेंथ है वह क्या हो जाएगी आपके पास, बहुत मास अगर अधिक है तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण से, वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होने के कारण से यहाँ जो वेव है वह आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से हमारे पास, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास जो वेव एसोसिएट होगी वह जनरेट ही नहीं होगी, हमारे पास उसकी दिखाई ही नहीं देगी। तो यहाँ पर हमारे पास, और साथ ही साथ इसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, मास तो हम लोग फिक्स कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास बॉडी ले रखा हमने, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। वेलोसिटी बहुत कम होने के कारण से वेवलेंथ का मान बहुत अधिक हो जाएगा। वेवलेंथ अधिक होने का मेरा यहाँ पर आशय ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक की बहुत दूरी अगर ज़्यादा होगी तो वेव कैसी हो जाएगी, एकदम फ्लैट टाइप की हो जाएगी। वेव कैसी हो जाएगी आपके पास, एकदम फ्लैट हो जाएगी, और वेव फ्लैट हो जाएगी तो क्या होगा, आपको ये दिखाई नहीं देगी। इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, इसका वेवलेंथ का मान मेरे पास कम से कम होना चाहिए, तो वो आपको इजीली दिखाई देगी। और इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। वेलोसिटी बहुत अधिक होगी तो वेवलेंथ थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर टू बल्क बॉडी की तुलना में। तो इसकी तुलना में यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ का मान क्या होगा, आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव कहते हैं, जिनको ये जो रीजन होता है उस रीजन में किसी न किसी वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यह वेव दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो छोटी बॉडी होती है उसके साथ वेव एसोसिएट हमें दिखाई देती है, लेकिन बल्क बॉडी है हमारे पास, जैसे कि हम खुद देख लें या 1 kg का मास ले लें, 2 kg का मास ले लें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनकी मोशन जब होते हैं तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वह इस रीजन के अंदर आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रीजन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, ये जो रेडियो से XRD तक जाता है हमारे पास, एक्सरे तक जाता है, तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बहुत लेंदी रेंज है। तो इस रीजन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यदि हम इसकी भी अगर बहुत हाई वेलोसिटी कर दें तो इसके साथ भी हमारे पास इसके साथ जो वेव है वो आपको दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर वेव दिखाई देगी और कहाँ पर हमें वेव नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पर इसके डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फोटोन की हम एनर्जी मान रहे हैं, E इक्वल टू एच न्यू माना था हमने, उसी प्रकार से हमारे पास मास एनर्जी इक्विलिब्रियम, ये जो रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है, E = mc² होता है, ऊर्जा का समतुल्यता का नियम, क्या होगा आपका, द्रव्यमान
ऊर्जा समतुल्यता की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल से ये ले रहा है फोटोन का, क्या ले रहा है इसमें एग्जांपल फोटोन ले रहे हम लोग। तो फोटोन के केसेस में अगर हम बात करें तो फोटोन का ये सॉरी क्या है आपके पास फोटोन, क्या ले रहे हम लोग फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी क्या मान लो मैं इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, और ये क्या मान लें हमारे पास ये जो आपके पास प्लांक ने जो माना था इसकी एनर्जी ये है। तो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी भी एनर्जी कितनी हो सकती है इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर डिफाइन की जा सकती है, जहां पर सी लाइट की वेलोसिटी और एम क्या है फोटोन की काइनेटिक जो मास है वह है यानी गतिमान। जो बॉडी आपके पास फोटोन मूवेबल है तो उसके पास मास भी होगा, तो यहाँ पर मास लिया गया है। उस कंडीशन में मेरे पास इसका अगर डेरिवेशन अगर मैं करूँ तो एच न्यू दोनों एनर्जी होगी, दोनों क्या होगी आपके पास एनर्जी है, दोनों एनर्जी क्या होगी आपके पास इक्वल होगी, दोनों एनर्जी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास एम इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर लिखा जा सकता है। नाउ चूंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो डी ब्रोगली ने किसके बीच में रिलेशनशिप निकाला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी यानी मोमेंटम का टर्म हमें यहाँ पर जनरेट करना होगा, तो ये जो मोमेंटम की जो हमारे पास टर्म आएगी वह हम कहाँ से जनरेट करेंगे, चूंकि यहाँ पर मोमेंटम का मान हमारे पास होता है पी इक्वल्स टू एम बी, और एम को क्या मान लूँ एम सी को क्या मान लूँ मैं ये v को c मान लेता हूँ मैं, तो p इक्वल्स टू एम बी मेरे पास आ जाता है। ये जो मास मेरे पास आया है इसको मैं उठाकर यहाँ पर अगर रख देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा h न्यू बाय c स्क्वायर इंटू सी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया मेरे पास h न्यू बाय c। अब h न्यू बाय c इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लोग लिख सकते हैं लेमड़ा के बराबर एज बाई लेमड़ा, क्योंकि मेरे पास बी इक्वल्स टू न्यू लेमड़ा होता है बी इक्वल्स टू न्यू लेमड़ा, तो इस फार्मूले से हम लोग क्या रख सकते हैं बी बाई न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप लेमड़ा लिख सकते हैं। तो मेरे पास पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पी इक्वल्स टू यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास आएगी लेमड़ा का मान मेरे पास लेमड़ा इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हैं एज बाई पी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर रिलेटिविटी जो एनर्जी आइंस्टीन की जो थ्योरी है उसका अगर हम सहारा लें तो यहाँ पर इस थ्योरी के द्वारा डी ब्रोगली ने फर्स्ट टाइम यह बताया था कि किसी भी मूवेबल बॉडी के साथ क्या होती है एक वेव एसोसिएट होती है जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा इक्वल्स टू एज बाई। पर हमारे पास स्पेशल कुछ केसेस आते हैं, क्या आएंगे आपके पास ये जो इसी के कोरिस्पोंडिंग हमारे पास स्पेशल केसेस आएंगे, इससे रिलेटेड हमारे पास 101% हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि मेरे पास स्पेशल अगर केसेस की अगर हम बात करें तो स्पेशल केसेस के अंदर ये जो हमने निकाला है लैम्डा इक्वल्स टू एज बाई पी है, क्या आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू एज बाई पी है, लैम्डा इक्वल्स टू एज बाई पी हमारे पास रिलेशन है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये बल्क बॉडी की हम बात नहीं करेंगे, बल्क के अंदर तो आपको लैम्डा दिखाई ही नहीं देगा, लैम्डा उसको एसोसिएट होता है लेकिन इतना लार्ज होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी बहुत बहुत कम होती है बल्क बॉडी के केस में, तो वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता तो वो एकदम फ्लेट जैसा दिखेगा, क्या दिखेगा आपको एकदम फ्लेट जैसा दिखाई देने लगता है। और यदि मान लीजिए छोटा पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ तो जो है वो कहाँ रीजन में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रीजन में आ जाता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर सपोज करें हम लोग कि पी इक्वल्स टू हमारे पास एम बी होता है, पी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास एम बी होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एजुम्शंस कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है इसका मास मान लीजिए मैंने कितना मान लिया
एम मान लिया और वेलोसिटी वी मान लिया, तो इसका मोमेंटम पी इक्वल टू एम बी हो सकता है। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एच बाई बी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मैं किसका मान निकाल लेता हूँ, वी का मान निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं वी का मान निकाल लेता हूँ। तो वी की जो वैल्यू होगी आपके पास 2k by m, यहाँ जो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2k by m। तो मैं इसका जो मान है वह इसके अंदर रख देता हूँ, p equals to mb है, p equals to क्या है मेरे पास mb है। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसको अगर मैं और अगर मैं निकालना चाहूँ तो m यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो मैंने m का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये m स्क्वायर का m, अगर मैं इसको अंदर करना चाहूँ तो ये काय में बदल जाएगा, ये इसको अगर अंदर रूट के अंदर अगर ले जाता हूँ तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक m कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ से 2mk के बराबर आएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, ये क्या आ गया आपके पास मोमेंटम का मान, किसकी टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में मेरे पास ये जो मोमेंटम का मान है वो कितना आ गया आपके पास 2mk के बराबर आ जाता है। तो मेरे पास वेवलेंथ का मान काइनेटिक एनर्जी की टर्म में ये प्राप्त होता है। दूसरा हमारे पास केस है, सपोज करें मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया था, पार्टिकल सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसको क्या करा मैंने, एक वी पोटेंशियल के अंदर इसको एक्सेलरेट कराया, यहाँ से इसको सुनना, इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल के अंदर एक्सेलरेट अगर कराता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वह क्यू वी पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग या क्यू वी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर लेगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। वी पोटेंशियल के अंदर जैसे हम लोग ये पोटेंशियल अप्लाई करें, ये प्लस प्लेट लगा दें और इधर हम माइनस प्लेट लगा दें और पोटेंशियल जनरेट कर दें, क्या कर दें, पोटेंशियल जनरेट कर दें, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम छोड़ दें या कहीं पर भी छोड़ दें तो ये जो पोटेंशियल के डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिधर भी मूव करेगा ये क्या कर लेगा, एक एनर्जी गेन कर लेगा। तो एनर्जी कितनी गेन करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्यू वी के बराबर एनर्जी को ये गेन कर लेता है। तो उस कंडीशन में इसके साथ जो वेव होगी उसका मान मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2m और क्या जाएगा क्यू वी, क्या जाएगा ये क्यू वी के बराबर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, जिसे हम लोग इसे भी लिखते हैं। तो लेमड़ा बराबर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यदि मेरे पास ये सारी अगर वैल्यू रख दूँ, जैसे एच का मान कितना रख दूँ, 6.6×10⁻¹⁴ रख देता हूँ मैं यहाँ पर, और साथ ही साथ ये जो 2 है और m अगर इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूँ तो उसका जो मास होता है 9.1×10⁻³¹ kg होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक मिनट, ये जो मास 9. हाँ मास कितना होगा आपके पास 9.1 मास होगा और चार्ज कितना होगा आपके पास 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होगा। और वी मुझे नहीं पता है कि कितना मैंने पोटेंशियल लगाया है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है अभी, पोटेंशियल को मैंने क्या रख रखा है, सिंपल क्या नोटेशन फॉर्मेट में रख रखा है। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा एंगस्ट्रॉम की टर्म में वह कितना आएगा, 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मैंने बाहर लिख लिया। तो कितना आ गया आपके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, रूट ऑफ 150 वी एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर जो पोटेंशियल है 150 अगर वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया है तो उसके साथ वेव जो एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होगी।
यदि हमने इस इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल लगाया, मैंने यहाँ जो मैंने पोटेंशियल जनरेट किया था, ये जो दो प्लेट लगाई थी इनके बीच में मैंने पोटेंशियल कितना लगा दिया, 150 वोल्ट लगा दिया। अगर 150 वोल्ट अगर लगा देता हूँ तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेव लेंथ कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल्स अगर लें, ये सब स्पेशल केसेस है किसके, डी ब्रोगली के। तो डी ब्रोगली के अंदर हमारे पास स्पेशल केसेस की हम बात कर रहे हैं। सपोज करें कि एक बॉक्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन है, क्या भरे हुए हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, और इसका टेम्परेचर में टी रख रहा हूँ। टेम्परेचर क्या रख रहा हूँ, जो कि इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था में है। तो उस कंडीशन में ये जो न्यूट्रॉन आपके होंगे साम्य अवस्था में है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग 3/2 kT होती है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपके पास, 3/2 kT के बराबर आती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ये है तो उसके साथ यानी इन न्यूट्रॉनों के साथ या हर एक न्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वह कितनी आएगी हमारे पास, लेमड़ा बाई क्या जाएगा आपके पास, लेमड़ा बाई 2m के था हमारे पास, तो k की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पर 3/2 kT। ये k एक बोल्ट्जमान कोफिशियंट है, वो काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं है, k क्या आपके पास बोल्ट्जमान कोफिशियंट है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास, 3m kT लिखा जा सकता है। तो k यहाँ बोल्ट्जमान कोफिशियंट लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका वेवलेंथ भी हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये जो है क्या निकाल लिया मैंने, ये थर्ड आपके पास केसेस हमारे पास ये आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पेशल केसेस, जो कि मेन मेरे पास 2 या 3, बाकी बहुत सारे और भी हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। 1, 2, 1, 2, 3 ये थर्ड वाला था आपका, ये थर्ड नंबर का था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पेशल केसेस के अंदर जो भी पार्टिकल मूवेबल है उसके साथ वेव एसोसिएट होगी उसकी वेव